Hello and assalamu alaikum. Welcome back to Evolve Talks. I'm Aman Khan and I'm back with episode 4 of Evolve Talks season 2. I hope you guys are fine and staying safe at your home. And we are continuing our seasons and our episodes for you guys so that you have something to watch every day, something inspiring, something new. So आज हमने एक और डिफरेंट वी आर टॉकिंग ऑन अ डिफरेंट टॉपिक व्हिच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग दैट इज जर्नलिज्म. सिंस जर्नलिज्म के बारे में हम बहुत सी पॉजिटिव बातें भी सुनते हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें भी सुनते हैं. सो टुडे आई हैव विद माय सेल्फ अ पर्सनालिटी हु इज इन द फील्ड सिंस इयर्स एंड शी हैज डन वंडरफुल टास्क. शी हैज डन शोज एंकरिंग एंड व्हाट नॉट. शी इज इन द इंडस्ट्री फ्रॉम 7 years. मिस सुमेरा मिर्जा एंड शी इज ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन अबाउट टॉक. सो विदाउट एनी डिले वील हैव हर ऑनलाइन एंड टॉक अबाउट ऑल द साइड्स, ऑल द पॉजिटिव, नेगेटिव, डार्क इन ब्राइट साइड्स ऑफ जर्नलिज्म विद मिस सुमेरा मिर्जा. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमन, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक. वेलकम सुमेरा ऑन अबाउट टॉक्स. बहुत अच्छा लगा. You were there थैंक यू with सो us मच। on ES as well, so you are a very important part of our Evolve family. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। पहले भी मेरा मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, दानियाल के साथ। तो खैर बड़ा अच्छा एक हमारा यूनिवर्सिटी में टाइम गुजरा। बिल्कुल. तो पहले भी आप लोगों का एक प्रोग्राम था, उसमें आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, और इसीलिए आपने मुझे बुलाया तो मैंने ना नहीं कर सकी और फौरन चली आई। थैंक यू सो मच. सो सुमेया, एज यू नो दैट आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट साइड्स ऑफ जर्नलिज्म एंड हु नोज जर्नलिज्म बेटर देन यू. सो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे. सो बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक, आई लाइक टू आस्क योर जर्नी, समथिंग अबाउट यू, दैट व्हाई यू चोज जर्नलिज्म. क्या शुरू से ही था कि बस जर्नलिस्ट बनना है, और वाज इट अ मोमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैं पाइसिस हूँ और मेरा ख्याल है पाइसिस लोग जो होते हैं उन लोगों की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा ये था कि बस ये था कि अच्छा पढ़ लें। मैं विहाड़ी सिटी से हूँ, इट्स फ्रॉम साउथ पंजाब, और मुल्तान के नजदीक ही है ये। और पहले मैंने एफ एस सी इंडिया की फ्रॉम प्री द सेम मेडिकल। एरिया. आई एम ऑल्सो साउथ पंजाब. ओके ग्रेट। मैंने जनाब पहले मैंने एफ एस सी प्री मेडिकल किया, और मेरी मदर की विश थी कि जनाब आप मेडिकल फील्ड में आओ। और लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अम्मी के कहने पर इसको किया एफ एस सी। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने जनाब किया बी कॉमर्स। देखिए कहाँ से कैसे यू टर्न लिया मैंने, बी कॉमर्स। बी कॉमर्स के बाद फिर बी कॉमर्स में ये था कि बी कॉमर्स में मैंने टॉप किया, आई वॉज द टॉपर वन। मैं मतलब जो हमारी वहां पर फीमेल स्टूडेंट्स थी वहां, उनमें से मैं टॉपर थी। और मुझे ये था कि मैं बिजनेस लाइन ही ज्वाइन करूंगी, लेकिन फिर मैं तो इसको ग्रेट. लकीली कहूंगी, मेरी इंगेजमेंट हो गई व्हेन आई वाज इन बी कॉम। तो जो मेरे फियांसी थे उनको बहुत शौक था कि जी मीडिया पर्सन होना चाहिए हमारी फैमिली में कोई ना कोई। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया उनकी राय पे। ही सजेस्टेड मी कि मैं जो है वो ये फील्ड ज्वाइन करूं। तो खैर मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मैथ कम्युनिकेशन किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि दैट इज द लाइन जो मुझे चूज करनी है, क्योंकि वहां पर हमारी जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बड़ा अच्छा हमारा वहां पर स्टूडियो भी बना हुआ था, हमारा मैगजीन भी वहां से इशू होता था, और मीन वाइल जो है वो भी टेलीविजन भी स्टार्ट हो गया था वहां से। हो कि वो ऑन ईयर नहीं होता था, लेकिन हमारे पूरा एक फुल फ्लेज स्टूडियो एंड ऑल दैट। तो वो बड़ा एक फैसिनेटिंग था कि आप बड़ा आपको अट्रैक्ट करती थी वो सारी चीजें। फिर खैर वो मैथ्स कम्युनिकेशन भी कर लिया और उसके फौरन बाद शादी हो गई, लेकिन वो एक विश थी कि करना है मेरी तरफ से भी और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी। तो फिर माशाल्लाह पहला बेटा हुआ, फिर माशाल्लाह ट्रिपलेट बॉयज हुए, जब चार बच्चे हो गए माशाल्लाह। देन वी वंडरफुल. मेरा ख्याल है अब मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लाहौर मूव करेंगे। फिर हमने लाहौर मूव किया, फिर छोटे छोटे चैनल से मैंने स्टार्ट लिया। मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था, मैं ना किसी को जानती थी यहाँ मीडिया में, किसी को भी नहीं जानती थी। मैंने बहुत सारे चैनल्स में मैंने सीवी ड्रॉप की खुद जाकर,
ये नहीं कि बैठ के इंटरनेट से कुछ जाके मैंने सीवीज ड्रॉप की, मैंने इंटरव्यूज भी दिए, और मतलब बहुत ज्यादा मुझे, मैं नाउमीद भी हुई, क्योंकि इट वाज लाइक 6 months हो गए थे कि मेरी जॉब नहीं हुई थी, और हम लोग सब कुछ मतलब शिफ्ट हो गए थे फुली यहाँ पर लाहौर में, एक अजनबी शहर और ये सब कुछ. ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा इसमें मुझे सपोर्ट रही है, अब तक भी है. तो ये तो थी दैट्स लाहौर तक आने की जर्नी. वंडरफुल। ये बहुत, इफ यू जनरली सी, तो ये बहुत रेयर बात होती है। स्पेशली मीडिया को ऑनेस्टली एक टैबू समझा जाता है स्टिल, एंड स्पेशली इन एरियाज लाइक साउथ पंजाब, पीपल आर लाइक ओ यू आर जॉइनिंग मीडिया। तो ये बहुत एक डिफरेंट चीज थी आपके हस्बैंड की। एग्जैक्टली. बहुत. और अभी भी अगर मैं किसी को बताती हूँ, लाइक जब हमारे ये इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, तो उसके बाद मेरी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी है नेशनल मीडिया क्लब के नाम से, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दैट, और बहुत अच्छी माशाल्लाह हम लोग वो चला रहे हैं. अभी कुछ अरसा हुआ उसको चलाते हुए, लेकिन मीनवाइल मैंने जैसे आपको बताया आई वाज प्रेग्नेंट, और उसमें थोड़ा सा कुछ ब्रेक आ गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लेज उसको हम चला रहे हैं. तो जैसे इलेक्शन हमारे हुए, तो एक जगह पर हमने, जो हमारे MNAs थे उनको हमने इस्लामाबाद में डिनर दिया, तो वहां फवाद चौधरी बड़ा वेल नॉन है, वो अब तो वो मिनिस्टर है हेल्थ के, उसके टेक्नोलॉजी के, तो उनको, उनसे जब मेरा तारुफ हुआ तो मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम बिहाड़ी, और मैं इसी तरह से, जाहिर जानते थे 92 में बहुत दफा उनके साथ हमने शोज किए, बिल्कुल तो ही वाज सो सरप्राइज्ड कि आप एक छोटे से शहर से आई हैं, इतनी स्ट्रगल की है आपने, हु इज एट योर बैक. मैंने कहा ऑफ कोर्स माय मदर और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरी मदर ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे बच्चे छोटे होते थे वो, और वो बिहाड़ी से मेरे साथ यहाँ आई, मेरे बच्चों को जो है वो केयर करना सब कुछ उन्होंने किया, बाकी सारी सपोर्ट हस्बैंड की. तो इन सपोर्ट्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, एक छोटे से शहर से उठना, लोगों की बातें भी सुनना, और मजे की बात यह है कि मेरे इन लॉज जो है, हालांकि वो एक गाँव से बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहा कि आप क्यों मीडिया ज्वाइन कर रही हो, बल्कि मेरे जो ससुर है वो माशाल्लाह काफी एजेड है, 80+ है वो, तो मैं न्यूज करती थी शुरू शुरू में, तो एक दफा मॉर्निंग शो चल रहा था, ही सेड के बेटा आप इस तरह से ये वाला शो नहीं कर सकती जो ये कर रही है. तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि न्यूज तो एक मतलब वो होता है ना कि आप जाके बैठे और न्यूज पढ़ी और आप वापस आ गए, मॉर्निंग शो में आपको पता है बहुत कुछ हल्ला गुल्ला करना पड़ता है आपको, उठना बिल्कुल बैठना, और कुछ एंकर तो डांस भी कर रही होती हैं, तो वो मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि आप एक गांव में रहते हैं और आपकी सोच इतनी ब्रॉड है, तो मुझे खैर ब्रॉड माशाल्लाह है, बहुत अच्छी सपोर्ट रही है. वंडरफुल। तो मैं, सिंस इट्स अ लाइव सेशन, तो हम अंदर क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। तो वाई आई नॉट. वाज दैट वाज आल्सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आपने भी बात की कि सिंस योर फैमिली वाज रियली सपोर्टिव, बट सिंस यू वर न्यू इन द इंडस्ट्री, आप किसी को ऑब्वियसली जानती भी नहीं थी एंड यू हैड नो रेफरेंस, तो मीडिया एग्जैक्टली. करियर एन ऑप्शन फॉर फीमेल्स, तो व्हाट आर द हर्डल्स? हर्डल्स, मैं क्योंकि मैरिड थी जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मैरिड जो खातीन होती हैं उनके लिए ज्यादा हर्डल्स होती हैं. मैं क्योंकि जब नई बिल्कुल नई आई, तो क्योंकि ये एक अब अनफॉर्चुनेटली न्यूज हमारी जो है वो अब एक, उसको आप ये कह सकते हैं कि ग्लैमरस फील्ड बन चुकी है, जब तक ग्लैमर नहीं दिखाते हैं आप, वो मेरा ख्याल है हर जगह पर ही है, आप कुछ भी करते हैं, हमारी कमर्शियल्स आ रही हैं, देखिए ना कमर्शियल्स किसी और चीज की होती है, और उसमें हम देखते हैं कि फीमेल जरूर होती हैं. तो यही मकसद होता है ना, अट्रैक्ट करना, ग्लैमर दिखाना. तो जाहिर है अब एक लड़की, एक खातून है, उसकी शादी हुई हुई है, शी हैज 4 kids, ठीक है, उसके लिए इस इंडस्ट्री में इन होना, पहले तो इन होना ही बहुत मुश्किल है, इन होने के बाद अपने आप को सस्टेन करना वहां पर बहुत मुश्किल है, नाम बनाना बहुत मुश्किल है, हर्डल्स आती हैं. शुरू शुरू में मुझे सबने कहा कि आपने बताना नहीं है दैट यू आर मैरिड, और तब एज भी इतनी नहीं थी, नहीं लगता था, मतलब थोड़ा सा अपने आप को फिट कर लिया था मैंने, तो नहीं लगता था कि शादी हुई हुई है और बच्चे हैं, क्योंकि शादी को उस वक्त भी सिर्फ 4 years हुए थे मुझे अभी, तो सब कहते थे बताना नहीं है, तो मैं बड़ी सरप्राइज होती थी भाई क्यों नहीं बताना ना, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मैरिड हैं, आप सिक्योर हैं, आप जब इस फील्ड में आए हैं कोई मसला नहीं है. खुदा ना खास्ता जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको ये टेंशन होती है कि हमें कोई तंग ना करे या हमें कोई यहाँ पर हरासमेंट ना हो,
तो एक जब जो खातून शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, तो वो तो बहुत सिक्योर होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें की हुआ, लेकिन शुरू शुरू में मैंने इस चीज को अडॉप्ट किया, लेकिन फिर एक 2-3 महीने बाद ही मैंने सबको बताया कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। लोग सरप्राइज हुए, लेकिन ये मैं कहूँ कि जी उनके रवैये में तब्दीली आई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि तब तक शायद मैं सबके साथ घुल मिल चुकी थी। फिर जब मैंने ये चैनल चेंज किया, मैंने स्टार्ट लिया था रॉयल से, जो कि एक जिसको हम अगर मीडिया एकेडमी कहें तो गलत बात नहीं होगी। वहां से बहुत अच्छे अच्छे एंकर्स जो आजकल मतलब बहुत अच्छा एक पैकेज भी ले रहे हैं और उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है, वो उस चैनल से अगर उन्होंने स्टार्ट लिया है तो ये मैं उसको मीडिया एकेडमी ही कहूंगी। वहां पे मैंने भी उधर से स्टार्ट लिया, मैंने तकरीबन 1.5 ईयर जो है वहां पर गुजारा, न्यूज भी की, प्रोग्राम भी किया। वहां पर तो मुझे इतनी हर्डल्स नहीं थी क्योंकि वो छोटा चैनल था। मीन वाइल फिर आप जब बड़े चैनल की तरफ मूव करते हैं ना, वहां पर लोगों को ये सरप्राइज होता है कि जी आप कैसे छोटे से शहर से और एक मैरिड खातून है जनाब, तो ये कैसे आ गई है ना। ये फिर ना थोड़ी थोड़ी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। लेग पुलिंग की रीजन कोई नहीं होती, आप मैरिड पे होते हैं वहां पे, लेग पुलिंग की कोई रीजन नहीं होती, बस यही रीजन होती है कि वाई शी इज हियर, ठीक है, तो ये तो मैरिड है, इसके बच्चे हैं। एक ये हर्डल होती है, मैं मैरिड हूँ इसलिए। अच्छा, जो अनमैरिड है उसको जो हर्डल्स होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसको हर्डल्स होती हैं, अगर तो वो खूबसूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, तो उसको उसके लिए हर्डल्स नहीं होंगी, नहीं होंगी हर्डल्स उसके लिए, ठीक है। और अगर वो काम सीखना चाहती है, करना चाहती है, तो फिर तो बिल्कुल ही हर्डल्स नहीं होंगी, ठीक है। और अगर वो सीखना नहीं चाहती, और मतलब एक जो सेकंड वे होता है उस वे से भी आना चाहती है, तो उसके लिए और भी ज्यादा आसानी है, ठीक है ना। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जो व्यूअर्स है मेरे हमारे वो भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस बात को। मेहनत करके आगे आने में हर्डल्स है अमन, और मेरा ख्याल है इसकी लाइफ भी ज्यादा है। आप मेहनत करके जब आगे आते हैं तो उसकी लाइफ भी ज्यादा, उसमें हर्डल्स जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर आप Sumaya, if you can please repeat your answer, we lost connection with you. बस मैं इसको इसी तरह कंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर आप मेहनत करके आगे आना चाह रहे हैं, आप कोई सेकंड वे यूज नहीं करना चाह रहे, तो उसमें आपके लिए हर्डल्स हैं और वो आपको पॉलिश भी करेंगी। और अगर आप कोई सेकंड वे यूज करके आना चाह रहे हैं, तो उसकी Definitely. लाइफ भी इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें हर्डल्स भी नहीं है, और आप उसमें पॉलिश नहीं हो सकते थे। पॉलिश नहीं हो सकता है. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. एंड मूविंग ऑन, जैसे कि हमने हर्डल्स की भी बात की, सो देयर आर मेनी पीपल हु आर एस्पायरिंग, जिनमें पोटेंशियल भी है, हु आर ट्राइंग टू कम, लेकिन बहुत से लोग इस वजह से दे आर जस्ट रिजर्व्ड के वी डोंट हैव एनी रेफरेंस, हमारी जो फैमिली में से भी कोई नहीं है, काफी लोगों की फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं होती. तो व्हाट यू बिल्कुल, थिंक द क्वालिटीज जो कि एक अच्छे जर्नलिस्ट और एक अच्छे न्यूज कास्टर में होनी चाहिए, कि अगर वो उसमें है तो ही और शी विल एक्सेल इन द करियर. बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ अमन एंट्री जो है ना मीडिया में, इस तरह के लोगों के लिए एंट्री जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वही जो बिल्कुल. आपने बात की ना कि उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, थोड़ी सी एंट्री उसके लिए मुश्किल है। अदरवाइज जब आप एक दफा एंटर हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके लिए ये फील्ड वार्म वेलकम करती है उनको। अब मेरे सामने की बातें हैं, मेरे साथ जिन लोगों ने काम शुरू किया था, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो मुझसे पहले काम कर रहे थे, लाइक अच्छा. 1-2 साल पहले से काम कर रहे होंगे, और जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, तो मतलब मैं इसको एडमिट करूंगी, और ये अगर कोई समझे कि ये मैं बड़ी बात कर रही हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज वो अभी मेरे जूनियर है और मैं उनकी सीनियर हूँ, ठीक है। एक बात, अच्छा एक बात ये, और दूसरी बात इसकी एक और एग्जांपल भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैंने ज्वाइन किया उसके बाद, उन्होंने मतलब जब मैंने मेरा दूसरा या तीसरा चैनल था उस वक्त उन्होंने मीडिया ज्वाइन किया,
तो आज वो मुझसे भी बड़े, मेरे जिन चैनल्स में मैंने काम किया उनसे भी बड़े चैनल्स में बैठ के वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर दोनों लोगों तो की इट्स एग्जाम्पल्स ऑल आ गई अबाउट हैं टैलेंट. उन, हाँ उन इन दोनों लोगों की एग्जाम्पल्स आ गई हैं, वो लोग जो टैलेंटेड नहीं है, वो लोग जो बहुत टैलेंटेड है। अब मैंने, मुझे इतना अच्छा लगता था 92 में हमारे कुछ एंकर्स थे, उनकी अभी फ्रेश एंट्रीज थी, जैसे उन्होंने लोकल चैनल से स्टार्ट लिया और फिर मेन स्ट्रीम चैनल्स पर वो आ गए, नेशनल चैनल्स में उनके पास बहुत अच्छा कंटेंट होता था क्योंकि उनकी रीडिंग बहुत ज्यादा है। वो रीड करते हैं, वो न्यूज़पेपर तो खैर पढ़ ही लेते हैं हम लोग, लेकिन उनकी बुक रीडिंग बहुत ज्यादा है, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री के बारे में बहुत जानते हैं वो लोग, उनके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो आपको स्क्रीन देती है। आपके पास जब कंटेंट होता है ना अमन, तो आपके पास ऑब्वियसली आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है। आपके पास जैसे कंटेंट होगा, जब आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आपके आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर आपके पास आएगा भी कॉन्फिडेंस तो वो आप ओवर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, और ओवर कॉन्फिडेंट में आपको पता है फिर आप मिस्टेक्स करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है. तो इट्स ऑल अबाउट द एंट्री एंड वंस यू एंटर ऑल दैट मैटर्स इज योर स्ट्रगल एंड योर टैलेंट. एग्जैक्टली कैन एग्जैक्टली बिल्कुल, यू हियर मी? यस बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपको, मैं आपको यही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सिर्फ एंट्री मुश्किल है इस तरह के लोगों के लिए, जब आप एंटर हो जाते हैं तो जी। आवाज आ रही है अमन? You were back on the stream. We lost the connection again. I think it's some internet issue on your side, but it's okay. It's one inevitable thing in this cases. So, moving Exactly. on, since our topic today is different sides of media. So, there was a thing के no doubt media or journalism हमें रोज they keep us updated. They're also having good content and the bad content side by side. But there's also a very thing that these days since all this COVID situation is going on. So एक चीज बहुत जिसके बारे में आवाज भी उठाई गई, काफी लोगों ने बात भी की कि मीडिया को देखा गया दैट मोस्ट ऑफ इट इज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी. सो व्हाई डू यू थिंक इज दैट सो? अच्छा अमर, मुझे ना आपकी मुझे आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होकर आई है, तो जो मुझे लगा है आप पूछना चाह रही हैं वो यही है कि मीडिया नेगेटिविटी क्यों फैला रहा है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं फैला? I think we missed the connection again. जी अमन, मुझे आपके ना क्वेश्चन की समझ I नहीं आई थी, think we बहुत ज्यादा have आवाज ब्रेक हो रही थी। lost the connection. I'm trying to get it back with Samira. Yes, Samira, can you hear me now? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप जो सवाल पूछना चाह रही थी प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ. आई एम सॉरी वो कट गया था. सो आई एम ऑल्सो फ्लैशिंग इट ऑन द स्क्रीन के देर इज अ जनरल कॉन्सेप्ट स्पेशली इन दीज डेज सिंस ऑल दिस कोविड सिचुएशन इज गोइंग ऑन के व्हाई न्यूज आर शोन विद सो मच नेगेटिविटी. ये वैसे इसका जवाब मैं आपको जो रियल आंसर है वही दूंगी, इसमें कोई ढकी छुपी आई बात नहीं होप रखूंगी यू वर क्योंकि एबल अब टू तो हियर मी मीडिया में नाउ. काम किया है मैंने। आवाज आ रही है आपको? ठीक आ रही है आवाज अमन? मैं कंटिन्यू करूं? अच्छा, ये कि नेगेटिविटी इसलिए है कि आप एक एक अब हम ट्विटर देख लेते हैं, हम इस तरह की चीजें जिसपे हम लोग ये देख सकते हैं कि आजकल हमारे ट्रेंड क्या चल रहा है ना, तो मीडिया उस चीज को गेट करता है और ट्रेंड्स देखता है कि ट्रेंड क्या है, बस ट्रेंड देखा जाता है, उसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं देखी बिल्कुल जाती कि
सिर्फ और सिर्फ जो अपना उनका फायदा है ना चैनल्स का, वो ही देखा जाता है। आजकल जो मीडिया चैनल्स है ना, वो सिर्फ बिजनेस अर्नर है, अपना बिजनेस अर्न करते हैं। उसके लिए चाहे उनको नेगेटिविटी फैलाना पड़े, चाहे उनको पॉजिटिविटी फैलाना पड़े, ठीक है। पॉजिटिविटी अगर उनके बिजनेस के हक में है तब तो वो पॉजिटिविटी फैलाएंगे, अगर उनके हक में नहीं है तो वो नेगेटिविटी करेंगे। जितनी भी उनसे होगी वो उस हद तक जाएंगे और नेगेटिविटी करते भी हैं। तो इस बात का आप कोई हल देखती हैं कि इज देयर एनी सॉल्यूशन टू एंड दिस थिंग कि पीपल आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर बिजनेस एंड नॉट व्हाट पीपल आर दे आर स्प्रेडिंग? असल में पता है अमन, बात यह है कि जब तक, ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना, कि अगर आप अवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो अपना पर्सनल आपका जो फायदा है आप उसको साइड पे रखेंगे। और ये मीडिया चैनल्स बात तो यही करते हैं कि जी हम लोग अवाम को अवेयर रखना चाहते हैं, इन्फॉर्म रखना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। जब तक उनके वो अपने इंटरेस्ट को साइड पे नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो सकते अवाम के साथ। और अवाम के साथ लॉयल तभी हुआ जाएगा जब वो उनको सही खबर देंगे, ना कि वो खबर दें जिससे उनको फायदा हो। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन है सोशल मीडिया। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने के लिए किसी बड़े चैनल पे बैठने की जरूरत नहीं है, ये वाली बात करने के लिए। हम सोशल मीडिया पर इस वक्त बैठे हुए और हम लोग अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। YouTube चैनल्स आपको पता है लोगों ने बहुत ज्यादा बना ली हैं आजकल। एक तरीका तो वो भी है, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अब बातें तो यही सामने आ रही हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है, और जो YouTube चैनल्स वगैरह हैं अब ये टेक ओवर कर लेंगे उसको। तो एक तो ये हमारे पास तरीका भी है कि हम अपना एक चैनल बना लेते हैं और उसके ऊपर जो बात हम नहीं कह सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, वो हम कर देते हैं। आज एक स्टूडेंट थी, उनकी कॉल आई मुझे, एमफिल की स्टूडेंट थी, वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने भी यही सवाल पूछा था कि जो लोग बड़े वेल नोन एंकर्स हैं वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं तो क्या मतलब है, वो बना क्यों रहते हैं क्या? बनाते हैं, क्या वो बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर नहीं कर सकते इसलिए वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो मैंने उसका जवाब उनको हाँ में ही दिया। पहली बात तो ये कि यूट्यूब से लोग अर्न कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो फर्स्ट उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो वही होती है, और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट उनकी यही होती है कि जो वो मेन स्ट्रीम पे बैठ के बात नहीं कर सकते उसके लिए फिर यूट्यूब मीडिया को यूज करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया है तो मेरा ख्याल यही सोल्यूशन है, इससे बेटर सोल्यूशन इसका और नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता बट आई होप कि लोग सोशल मीडिया को भी सही तरह यूज कर लें, बिकॉज जिस तरह आपने बात की ऑफ दिस यूट्यूब, तो यूट्यूब पे भी आई एम सीइंग कि बहुत से लोगों का उनका भी मेन कंसर्न ये होता है कि प्राइमरी जो उनका है कि यू हैव टू जस्ट अर्न फ्रॉम इट वाय जैसी भी न्यूज आप फैलाओ. तो आई थिंक ये दिस ऑल्सो नीड्स टू बी चेक. एंड मूविंग ऑन, एज जैसे बल्कि आपने ज्यादा बात है की कि अमन, यूट्यूब पे ज्यादा है, यूट्यूब पे ज्यादा है ये कि आप कैप्शन लाइंस और थंबनेल्स वगैरह आप ऐसे लगाते हैं कि लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि हे, इसके अंदर ये चीज है। और जब आप उस वीडियो को खोल कर देखते हैं तो उस थंबनेल या उस कैप्शन लाइन से रेलेवेंट उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता सिंस हमने बात भी की कि बहुत से न्यूज चैनल हैं, सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूज चैनल इन द मार्केट राइट नाउ, सो कोई डिफरेंट बात कर रहा होता है, कोई डिफरेंट बात कर रहा होता है, तो क्या ज्यादा न्यूज चैनल्स होने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है? जी बिल्कुल, कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन अमंग चैनल्स की अगर आप बात कर रही हैं, अमंग चैनल्स तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये कंपटीशन की ही वजह है कि हर खबर को वो ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाते हैं। कि अगर आप ब्रेकिंग न्यूज लिखेंगे तो लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे और फलां चैनल को नहीं देखेंगे, हमारे चैनल को दैट्स अ बिग देखेंगे, डिलेमा. एक चीज। और दूसरी चीज ये कि हम लोग, हमारे IFP लगी होती है कान में जब हम न्यूज या प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो प्रोड्यूसर सम टाइम बहुत ज्यादा जब कोई हॉट न्यूज आ जाती है तो हमारी IFP खुली होती है, अदरवाइज हमारी IFP बंद होती है, और जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलना होती है उसी वक्त हमारी IFP खोली जाती है। तो समटाइम अगर IFP खुली रह जाए तो हम लोग फिर इस चीजों को सुनते हैं जब प्रोड्यूसर्स पीछे बोल रहे होते हैं कि यार देखो जियो आ गया है पहले, पहले ARY आ गया है, पहले हम क्यों नहीं आए इस खबर के पास, हालांकि ये खबर हमारे पास थी। तो कंपटीशन तो डेफिनेटली है,
और ये सारा खेल ही कंपटीशन का है अमन। जो चैनल जो है जिसकी रेटिंग ज्यादा आ रही है, रेटिंग मीटर्स लगे होते हैं ऑल ओवर द मतलब आप ऑल ओवर द कंट्री ही कह लें, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर रेटिंग मीटर्स लगे हुए हैं, और उन मीटर से फिर वो जज करते हैं कि कितनी रेटिंग्स आ रही हैं, कौन सा आर जो है वो ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सा प्रोग्राम देखा जा रहा है, कौन सी हेडलाइन ज्यादा देखी जा रही, उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट्स जो है वो वहां से डेटा लेती हैं कि किस चैनल की रेटिंग ज्यादा आ रही है। तो ये बिल्कुल कंपटीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर आप कंपटीशन में आप आगे जा रहे हैं तो जाहिर है आपकी रेटिंग भी ज्यादा आ रही है, आपकी रेटिंग ज्यादा आ रही है तो आपको मार्केटिंग ज्यादा मिल रही है, मार्केटिंग मिल रही है तो पैसा आ रहा है। एग्जैक्टली तो अभी हमने ये भी बात की कि सिंस अब सोशल मीडिया इज द न्यू मीडिया और यही एग्जैक्टली ऑल द सिंस अकॉर्डिंग टू स्टडी मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान राइट नाउ आर इन देयर अर्ली 20s और देयर टीनएजर्स एंड आई हैवन सीन एग्जैक्टली एनी वन ऑफ माई एज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ न्यूज चैनल फॉर न्यूज. वी जस्ट स्क्रॉल इट थ्रू आवर फीड्स एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर अस. वी स्क्रॉल ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई ज्यादा ही हो गया यू गो थ्रू ट्विटर. सो सिंस सोशल मीडिया इज टेकिंग ओवर, सो डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दैट सो द मीडिया इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ? हाँ जी, मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, खास तौर पे अगर हम देखते हैं कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर कदवन लगाना शुरू कर दिया, मींस रिस्ट्रिक्ट कर दिया बहुत सारी चीजों को। अच्छा, फिर जब रिस्ट्रिक्ट किया तो इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी हमारी, ये मैं गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रही हूँ, ये जो रियलिटी की चीजें हैं ये मैं वो बता रही हूँ आपको, कि इससे पहली जो गवर्नमेंट्स थी वो अपने आप को एनहांस करने के लिए, ठीक है, वो बहुत सारा पैसा खर्च करती थी, गवर्नमेंट्स के एड्स बनते थे जो ना, और वो फिर चैनल्स को पैसा देते थे कि आप जो जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा रहे हैं आप उनकी न्यूज़ दें, आप अच्छा उसको एग्जैजरेट करें या फिर आप उसको अपने मीडिया पर दिखाएं, ठीक है। वो चीजें जो है वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ये चीजें खत्म कर दी हैं सारी। अब उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना प्रीवियस गवर्नमेंट्स दे रही थी, एक तो इसलिए भी मीडिया इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, एक बात। दूसरी बात, आपने सोशल मीडिया की बात की है तो सोशल मीडिया की वजह से भी जो है वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक और मजे की बात बताती हूँ, यहाँ पर यूट्यूब चैनल से लोग ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं, फेसबुक से तो बहुत कम, फेसबुक पेजेस या फेसबुक से अभी तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अर्न करना शुरू हुए, ज्यादातर लोग यूट्यूब से कर रहे हैं। अब आप ये देखिए जो चैनल्स हैं, हर चैनल का अपना YouTube से यूट्यूब एग्जैक्टली चैनल भी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चैनल की अर्निंग बता देती हूँ, एक चैनल है बहुत वेल नोन चैनल है और उनकी सिर्फ सोशल मीडिया मीन्स यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग है दैट इज ऑफ 5 मिलियन पर मंथ, ठीक है। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर वो मिलियन मेन स्ट्रीम वाली गॉड साइट से गुड स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर वो सोशल मीडिया वाली साइट जो है उससे फिर उसको वो है वो कंपनसेट भी कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेन स्ट्रीम कॉम्पनसेट मीडिया भी इस कर वक्त रहे हैं, स्ट्रगल कर रहा है, बैलेंस बैलेंस स्ट्रगल हो कर गई रहे है हैं तो चीजें। गुड. एंड आई एग्री ऑन द पार्ट दैट गवर्नमेंट इज रियली सपोर्टिंग द सोशल मीडिया राइट नाउ. जैसे हमने रिसेंटली देखा दैट गवर्नमेंट हैड दोज इन्फ्लुएंसर्स मीटअप एंड देन देयर वाज टिकटॉकर्स मीटअप. तो गवर्नमेंट इज लिटरली सपोर्टिंग द मोर देन द मेन स्ट्रीम एग्जैक्टली, मीडिया नाउ. यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सो मैं मूविंग प्रीवियस ऑन, डेज में यू मेरा भी आर यूट्यूब चैनल चला है। जी जी प्लीज, आप कैरी ऑन। तो यू आर इन द इंडस्ट्री माशाल्लाह फ्रॉम इयर्स. एज सो इफ आई आस्क यू दैट वुड यू सजेस्ट मीडिया एज अ करियर? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। वुड यू सजेस्ट मीडिया एज अ कंपनी? आप ये देखिए, नेवर. नो 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 नो, बिल्कुल भी दैट्स अ नहीं, स्ट्रेंज मैं आंसर बिल्कुल भी एंड नहीं वाई दैट्स सजेस्ट सो. करूंगी। आप देखिए अमन के आजकल इतने अच्छे अच्छे एंकर्स जो हैं, बच्चे जो नए आए हैं अभी, उनको तीन तीन चार चार साल हुए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, वो बहुत अच्छी जगह पे भी बैठे Sorry, we हुए हैं, couldn't hear you. उनकी बात तो अलग है। सॉरी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है अमन? क्लियर, कैन आई कंटिन्यू? आवाज आ रही है आपको? It's not really clear, but I think it'll.
Okay, we just got to the I'm trying to get a bed. Yes, I think I can hear you now. Can you जी hear me जी now? अब आप मुझे क्लियर सुन रही हैं? जी जी मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। चले, now I can hear you also. So ठीक है you were क्लियर telling that why you don't suggest media as a career. जनाब? बिल्कुल, जो लोग बहुत अरसे से मीडिया इंडस्ट्री में हैं, लाइक आप उनको 20 इयर्स कह लें, 23 ईयर, 25 इयर्स से जो लोग कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं, अपने घर उसी से चला रहे हैं, वो लोग भी आजकल जॉबलेस हो गए हैं और वो पछता रहे हैं कि यार हम लोगों ने मीडिया के साथ साथ कोई और काम क्यों नहीं सीखा। और वो जो हम जैसे जूनियर हैं, हाँ हम लोगों को वो कह रहे हैं कि आप लोग साथ में स्टडीज को कंटिन्यू करें, एमफिल करें, पीएचडीज करें, और आप अपनी जो अपना जो आपका करियर है या आपकी जो इस वक्त जॉब है उसको आप उसको डाइवर्ट करें, आप अपनी डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर लें। आप मीडिया को आप कभी भी जो है वो नहीं ले सकते एज ए करियर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान टेलीविजन ही है ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब है, बाकी सारी तो प्राइवेट जॉब्स हैं। और आपको प्राइवेट हर जॉब वक्त है, यहाँ पर एग्जैक्टली. धड़का लगा रहता है कि यार कहीं आखिरी दिन ही ना हो आज। और आप और बिलीव सीधे करें सीधे अमन, एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, लाहौर का ही है, वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे यही कहते हैं कि यार तुम्हें तो पता है इस चैनल का, ये तो जो है ऐसा ही है कि आप जाएंगे और आपको गेट से कह देंगे कि जी ये लीजिए, ये आपका सामान है, हमारा हमारे एसेट्स आप हमें दे दीजिए, ये आपके एसेट्स हैं, एंड गो बैक टू योर होम। इस तरह की चैनल्स भी हैं, मतलब आप, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको एज ए करियर जो है वो ज्वाइन करें। हाँ, आप एक शौक के तौर पर जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको एक साइड जॉब, जैसे हम साइड बिजनेस कहते हैं, आप एक साइड जॉब के तौर पर इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बट नॉट अ फुली जॉब, नो नेवर। फुली ड्रॉ. ओके ग्रेट, दैट वाज क्वाइट एन ऑनेस्ट आंसर. आई लव्ड इट वैसे ऑनेस्टली. एग्जैक्टली So moving on, that let's suppose that okay, I'm pursuing a career also, but on the other hand, I have a dire passion for joining media. So, and I am an outsider, I don't have any reference. So what will you suggest? How will I be taking my first step in joining media? फर्स्ट स्टेप तो अमन यही होता है कि आप सीवीज ड्रॉप करें, और मेरा ख्याल है आपके पास अगर रेफरेंस नहीं है ना, वो भी आजकल के दौर में अमन, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है ना तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। मींस आप एक काम जो 1 महीने में या 15 दिन में कर सकते हैं, वो ले जाएगा जनाब 6 माह ले जाएगा, 8 माह ले जाएगा, और मीन वाइल जो है ना वो आपकी एनर्जी भी डाउन होती जाएगी, आप नाउमीद भी होते जाएंगे, होपलेस होते जाएंगे। सिफारिश होना जरूरी है एंट्री के लिए, एंट्री के लिए सिफारिश होना जरूरी है, बाकी आगे स्क्रीन जो है ना वो बड़ी जालिम है अमन, आपकी स्क्रीन बड़ी जालिम है, वो आपको सब कुछ आपका जो है ना कच्चा चट्टा खोल कर रख देती है, आप कितने पानी में है, सीधी सी बात ये है। बस ये एंट्री मुश्किल है, एंट्री मुश्किल है। अब आप मुझसे पूछ रही हैं कि एंटर कैसे हुआ जाए, तो वो ये कि कोई ना कोई बंदी जो इस वक्त होते हैं मीडिया में लोग, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से रेफरेंस जरूर निकालें, अदरवाइज आप लोग, ऐसे ही नहीं होता कि आप जाएं अपनी सीवी दें और आपको वो कल परसों बुला लें, नहीं कभी भी नहीं होता। तो डेफिनेटली क्वाइट एक बड़ा जालिम इंडस्ट्री है इस हिसाब से. तो ये बड़ी जालिम इंडस्ट्री है, बिलीव मी, बहुत थैंकलेस जॉब है ये। बड़ी वेरी सच्ची बातें बताऊंगी मैं आपको, कोई इंटरेस्टिंग झूठ नहीं बोलूंगी, कोई लगी लिट्टी नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन. आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट. सो मूविंग ऑन, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स दैट इज इट ट्रू दैट डिबेटर्स बिकम न्यूज कास्टर्स? So is it true? हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा जितने लोगों से भी पाला पड़ा है उसमें कोई, आप अगर मैं इसको परसेंटेज भी देती हूँ तो 2 या 3% लोग होंगे जो डिबेटर्स होते हैं। हाँ आरजेज काफी हैं, आरजेज जो रेडियो जॉकीज होते हैं आज वो काफी है. काफी हैं इसमें ना। हाँ आरजेज काफी हैं, बल्कि वो आरजेज जो है वो, अगर वो ये कहते हैं कि यार वैसे जिसने, सॉरी
डिबेटर्स होते हैं उनके पास ज्यादा एप्टीट्यूड वैसे टॉक शोज के लिए होता है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट काफी अच्छी कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स भी तभी करेंगे ना अमन, जब उनके पास कोई कंटेंट होगा, जब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई नॉलेज होगी, क्योंकि डिबेट्स जो है वो भी वो लिखी हुई नॉलेज याद होगा। करते हैं ना। हाँ, दैट्स आल्सो एन इशू। तो इफ बिल्कुल। आई आस्क यू टू इट्स नेम लाइक थ्री प्रोज एंड थ्री कॉन्स ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट, ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, सो वो थ्री प्रोज कौन से होंगे और थ्री कॉन्स कौन से होंगे? हाँ, थ्री प्रोज और थ्री कॉन्स। अब मैं आपको क्या बताऊँ आई इस थिंक बारे यू में। वर नॉट एबल टू हेयर मी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज, बहुत ब्रेक हो रही है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है मैम? नो, देयर इज अ क्वाइट अ डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस। आई थिंक वी हैव लास्ट कनेक्शन विद समेरा एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इट बैक। I am trying to get my connection back with Samara. आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अमन, आवाज आ रही है? So कैन यू meanwhile, हियर if you मी? guys have any questions related to our topic, you can drop in the section and I'll ask Humaira when she comes back online. बड़ी मजे की रोबोटिक आवाज आ रही है मुझे आपकी। Humaira, can you hear me? की आवाज Yes, can you hear me, Samara? जी, आ रही है आपकी आवाज, और आपकी आवाज मुझे बहुत रिपीट होकर आ रही है, मुझे मेरी आवाज भी रिपीट होकर आ रही है। There was so much echo in that. think it will be better if you can use some hands-free. नहीं, हैंड फ्री का इशू नहीं है, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, और एक बार जो है 10 बार आ रही है। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ आपको। जी अमन, अब आवाज ठीक आ रही? यस, मुझे अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है।
लेकिन मुझे अपनी आवाज दोबारा 3 दफा आ रही है। मुझे भी आ रही है, रिपीट हो होकर आ रही है। ओके, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन एंड इफ नॉट पॉसिबल देन लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। We have again lost connection, Samira. That's one inevitable thing in case of live sessions, but we will try to get her back online. जीत कैसी? Yes, जीत hello. कैसी? हेलो हेलो, बहुत Yes, स्लो है। let's try it for a while. हो सकता है कि इतनी दफा रिपीट ना हो वॉइस। मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूं? या इट विल बी गुड अगर आप एक दफा लीव करके और दोबारा ज्वाइन करें। Let's see how this works out this time. I'm really sorry for the inconvenience to all our viewers. Just stay tuned. We're trying to get the connection back. जी अमन, आवाज आ रही है आपको? ठीक, अब आई जी, होप आप मुझे ठीक आपकी है। काफी क्लियर वॉइस आ रही है। अच्छा, आप हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे थे इससे पहले कि दोबारा खराब हो जाए। अच्छा, इसके फायदे ये जो है वो ये है कि सबसे पहला फायदा तो है कि अगर आपको बहुत शौक है, ठीक है, आप आना चाहते हैं, बहुत पैशनेटेड हैं कि जी आपने मीडिया एंकर बनना है, न्यूज एंकर बनना है, प्रोग्राम एंकर बनना है, व्हाटएवर, तो आपकी वो विश पूरी हो जाती है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चार्म बहुत है इसमें। एक तो आप लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आप एक अननोन डायरेक्ट पर्सनालिटी होते हैं तो लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं, तो एक बहुत जी अच्छी फील आती है, ये बहुत अच्छी फील आती है, एक बात। और फिर तीसरी बात ये कि आप पॉलिश बहुत हो जाते हैं अमन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 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 फायदा मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो यही है कि मेरी हम लोग जो बचपन से लेकर यहाँ तक उर्दू बोलते आए हैं, वो उर्दू जो है वो 90% हम लोग गलत बोलते आए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे बचपन से उर्दू से बहुत प्यार था, मेरे इंग्लिश के टीचर होते थे तो मेरी उनके साथ हमेशा बहस होती थी, तो मैं उनको कहती थी सर आप इतने मास्टर्स आपने किए, आप एक हाँ मास्टर्स जो आप उर्दू में जरूर कीजिए ना, तो मुझे मुझे उर्दू इतनी पसंद है, तो मैंने बहुत सीखा है आके इसमें। फिर मैंने अपने आप को पॉलिश किया है कि आप मैं न्यूज नहीं देखती थी, मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता था, मुझे जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, मुझे ये सारी चीजें बहुत ड्राई लगती थी, अभी भी लगती हैं टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं बहुत अच्छी रीडर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मीडिया में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे अप्स एंड डाउन्स का पता चला है, मुझे हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे बनती हैं उसका पता चला है, क्या फिर पॉलिटिक्स का पता चला है, डेमोक्रेसी का पता चला है, और ये सारी चीजें जो है आप आकर जब सीखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप किसी भी महफिल में बैठ के बात कर सकते हैं, जी, आप किसी भी जगह बैठकर अपने अपनी राय दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जी ये जो चीज है ये सबसे जबरदस्त है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि आप किसी भी महफिल में बैठ सकते हैं, किसी भी महफिल को ज्वाइन कर सकते हैं, एटिकेट्स आ जाते हैं आप में, आप आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है, वो चीजें आप कर सकते हैं जो आप घर में बैठकर नहीं कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है ये वंडरफुल। तो एडवांटेज हो गए। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है अमन? डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि आप इसको एज ए करियर नहीं ले सकते, आप इसके ऊपर 8 घंटे, आप अपने 8 आवर्स देते हैं पर डे इसको, ठीक है,
वो जब हाँ आप सीखते हैं तब तब से लेकर जब तक आप इसमें जॉब करते रहते हैं, आपको 8 आवर्स देना पड़ते हैं इसको। आप पूरे दिन के जो 24 आवर्स है उसमें से आप 8 आवर्स जो है वो आप अपनी जॉब को दे रहे हैं, बट इट्स नॉट मतलब आपकी एक प्रॉपर जॉब नहीं है आपकी ये, ठीक है ना। आप इसको एज ए लॉन्ग टर्म एक जॉब लेकर नहीं चल सकते, करियर सेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तो आपका ये लॉस है। दूसरा लॉस जनाब ये है आपका कि दूसरा लॉस मैं इसका आपको क्या बताऊं, दूसरा I think there's लॉस also that you lost the sense of more privacy in your life. People are so concerned about you. हाँ They're like ठीक कह all रही sorts हैं of आप, fans. ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी लाइफ में जो प्राइवेसी है वो काफी डिस्टर्ब होती है। आप कुछ भी ऐसा छुप के नहीं कर सकते जो आप करना चाह रहे होते हैं, Exactly. ठीक है। हाँ अब बिल्कुल बल्कि बल्कि हाँ आपने बड़ी अच्छी अच्छा पॉइंट रेज किया। बहुत सारी वो बातें भी सामने आ जाती हैं जो आप नहीं कर रहे होते हैं, वो भी आपसे मंसूब हो जाती हैं नहीं कर कि रहे इसने थे ये किया एग्जैक्टली होगा मंसूब या ये किया है या वो किया है। हो जाते ये यही है, नुकसान कम है अमन। अगर आप मीडिया में आ जाते हैं, आप काम करते हैं लॉयल होकर, तो इसके नुकसान. नुकसान कम है। और सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि आप इसको एज ए करियर नहीं ले सकते। बाकी फायदे बहुत हैं इसके, फायदे बहुत है। आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, आप ग्रूम कर करियर नहीं सकते ले हैं सकते. अपने आप को। हाँ और हाँ लड़कियों के लिए आपको पता है लड़कियों को कितना शौक होता है, वैसे वैसे ये बड़ी पर्सनल सी बात, लड़कियों को ना शौक होता है ना मेकअप शेकअप करने का, अच्छी ड्रेसिंग करने का, अच्छी स्टाइलिंग करने का वो शौक भी लड़कियों के पूरे एग्जैक्टली हो जाते हैं। आप बिलीव करें, अब मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा बिल्कुल पफ लगाने को भी फेस पर दिल नहीं करता कि यार इतना मेकअप होता है डेली ना, बिल्कुल. तो वो आपका वो चाव भी पूरा हो जाता है। वंडरफुल. तो आई विल मूव टुवर्ड्स माय लास्ट क्वेश्चन सिंस हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया है. तो इट्स जी जी आल्सो दैट मैं यू हैव लॉट्स ऑफ फैंस, पीपल हेयर यू आर. आपने भी ऐसा कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते होते. सो बिल्कुल लास्टली सिंस यू नो ऑल दिस कोविड सिचुएशन, इट्स नॉट नॉर्मल लाइफ गोइंग ऑन. तो एंड पर एग्जैक्टली आप यू वांट टू से समथिंग टू द व्यूअर्स, समथिंग दे कैन डू टू स्टे पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन एंड ऑल. जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि नहीं है ये कोरोना नहीं है जी, और ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से या ये कोई आलमी ताकतें हैं, सुपर पावर है अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है या कुछ भी है, जो भी र्यूमर्स है मैं कहती हूँ उसको पहले तर्क करें, आप उसको साइड पे रखें। सबसे पहले अपने आप हिफाजत करें। अब मैं जॉब करती हूँ, जाहिर है मैं मेरा छोटा सा बेबी है तो मुझे अपनी ज्यादा टेंशन नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक मुझे उसी की ज्यादा टेंशन है, क्योंकि जो बिल्कुल थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं वो उनके साथ तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो, लेकिन वो ही इज जस्ट 3 एंड हाफ मंथ्स ओल्ड, उससे मैं बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रख सकती हूँ। तो इसलिए ये है कि बहुत ज्यादा अपने आप की केयर करना पड़ती है। ग्लव्स पहन के जाती हूँ, ठीक है, और मास्क मैंने वेयर किया होता है, बस जब मैंने न्यूज पढ़नी है उसी वक्त मैंने मास्क रिमूव किया, थोड़ी पफिंग की और न्यूज पढ़ी और फिर मास्क अप्लाई कर लिया। ऐसे ही बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ता है कि जी आप आईज को कहीं हाथ ना लगा लें, ग्लव्स वाले हाथ ही हैं चाहे। फिर घर आते हैं, आके जो है वो गैरेज में ही आपने शूज चेंज करने होते हैं, ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि ड्राइंग रूम वाली साइड से आए और बेडरूम में जाके सब कुछ चेंज करें, चेंज करके आप वॉशअप हो फिर आप हाँ फैमिली मेंबर्स के पास आए। ये करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइफ तो अल्लाह ताला ने एक दफा ही दी है ना, तो इसलिए बिल्कुल अपनी जिंदगी की हिफाजत करना हमारे अपने हाथ में है। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, अकल दी है, उसको इस्तेमाल करें, उसको इन र्यूमर्स में जाया मत करें। चले आप यही सोच लीजिए र्यूमर्स भी हैं, फिर भी आपकी अपनी लाइफ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल कोशिश करें जितनी हो सके आप अपनी हिफाजत करें। आप महफूज रहेंगे, आपके बच्चे महफूज रहेंगे, आपके पेरेंट्स महफूज रहेंगे, उनका ख्याल कर लें। अगर आपको र्यूमर्स लगते भी हैं फिर भी उनका ख्याल कर लें आप। वंडरफुल. थैंक यू सो मच समेरा, इट वॉज वेरी नाइस टू हैव यू. मुझे ऑनेस्टली बहुत मजा आया आपसे आज बात करके. इट वॉज अ वेरी कैंडिड, वेरी ऑनेस्ट डिस्कशन. सो थैंक यू बिल्कुल सो मच फॉर बिल्कुल, ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच जी, सो नाइस ऑफ यू अमन, थैंक यू। थैंक यू.
So that was Samaya Mirza, and I hope you guys had fun and had a very good session. So we'll be back on next Thursday with our next episode. So stay tuned.